भारत देश जहाँ हम सभी रहते हैं, जिसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते और उसके बारे में नई नई चीज़ें जानते रहते हैं। हम इस देश के बारे में हो सकता है बहुत कुछ जानते हों, पर ऐसी भी कुछ बातें हैं जिन्हें हम शायद ही जानते होंगे। तो आइए भारत से जुड़ी कुछ ऐसी पांच रोचक बातों को हम जानेंगे, जिससे हमें अपने देश पर गर्व महसूस होगा। पहला, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस मैथ की स्टडी का एक अहम पार्ट है। इसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। 11वीं सदी में सबसे पहले सिद्धाचार्य ने क्वाड्रिक इक्वेशन को यूज़ किया था, जो अलजेब्रा का एक भाग है। दूसरा, दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत में पोस्ट ऑफिस की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो भारत में 160,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। वहीं दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसके पास मात्र 50 से 60,000 ही पोस्ट ऑफिस हैं, यानी भारत से आधा भी नहीं। तीसरा, बेली ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। यह हिमालय के खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसे भारतीय सेना ने अगस्त 1982 में बनाया था। यह समुद्री तल से 5,602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई 30 मीटर है। इसकी डिजाइन एक ब्रिटिश ऑफिसर डोनाल्ड बेली ने बनाई थी, जिस कारण से इसे बेली ब्रिज नाम पड़ा। चौथा, दुनिया की पहली ग्रेनाइट से बनी मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। यह सिख भगवान का मंदिर है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में है। इस मंदिर का जो शिखर है वो 80 टन के ग्रेनाइट के सिंगल पीस से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम के शासनकाल में मात्र 5 वर्षों में हुआ था। इसे यूनेस्को ने 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। पाँचवा, भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। यहीं से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का उदय हुआ। आज पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 25% भाग इन्हीं 4 धर्मों को मानता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। यह सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने आज से करीब 2500 साल पहले की थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म के समकालीन ही अस्तित्व में आया। जैन धर्म को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय भगवान महावीर को जाता है। सिख धर्म का उदय भारत के पंजाब क्षेत्र में 15वीं सदी के अंत में हुआ। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। आशा करता हूँ कि आप सभी को इन रोचक बातों को जानकर अपने देश पर गर्व महसूस हुआ होगा और अच्छा लगा होगा।